रोड रेज केस में पटियाला सेंट्रल जेल में बंद नवजोत सिंह सिद्धू ने जेल में दाल रोटी खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ सलाद और फ्रूट खाकर अपनी पहली रात जेल में गुजारी। पटियाला जेल में सिद्धू कैदी नंबर 24-13-83 बन गए हैं। कैदी नंबर अलॉट होने के बाद उन्हें बैरक नंबर 10 में शिफ्ट किया गया है। यहां उन्हें हत्या में सजा काट रहे 8 कैदियों के साथ रखा गया है। बैरक में सिद्धू की पहली रात सीमेंट में बने थड़े पर गुजरी है। बता दें कि सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने 1988 के रोड रेज मामले में 1 साल की कैद की सजा सुनाई है। जेल जाते ही सिद्धू के नखरे भी शुरू हो गए। जानकारी के मुताबिक सिद्धू को शुक्रवार शाम को 7:15 बजे जेल मैनुअल के हिसाब से दाल रोटी दी गई, लेकिन उन्होंने सेहत का हवाले देते हुए इसे खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ सैलेड और फ्रूट ही खाया। सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, उन्हें लीवर की प्रॉब्लम है। इसे देखते हुए सिद्धू ने जेल प्रशासन से स्पेशल डाइट की मांग की है। सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र डल्ला ने कहा कि सिद्धू को गेहूं से एलर्जी है, वो गेहूं की रोटी नहीं खा सकते। लंबे समय से वो रोटी नहीं खा रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने मेडिकल के दौरान भी जानकारी दी थी। आपको बता दें कि सिद्धू को जेल प्रशासन की ओर से कुछ सामान दिया गया है, जिसका उपयोग सिद्धू जेल के अंदर कर सकेंगे। सिद्धू को एक कुर्सी टेबल, एक अलमारी, 2 पगड़ी, 1 कंबल, 1 बेड, 3 अंडरवियर, 1 बनियान, 2 टॉवल, 1 मच्छरदानी, 1 कॉपी पेन, जूतों की 1 जोड़ी, 2 बेडशीट, 2 तकिए कवर और 4 कुर्ते पैजामे दिए गए हैं। जेल में सिद्धू को कैदियों वाले सफेद कपड़े ही पहनने होंगे। बहरहाल इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आज तक।